महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं देश की सभी अभी बहनों भाइयों को बधाई देता हूँ। किसी भी देश की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बगैर लिंग भेद के विकास करने और शिखर को छूने की पूरी तरह स्वतंत्रता हो और समान अवसर। एक तरफ जहां हिंदुस्तान में हम लोग महिलाओं को देवी के रूप में देखते हैं, उन्हें सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन अखबारों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। मेरा मानना है कि पुरुषों को अपनी सोच बदलनी होगी और अपने दकियानुसी विचारों को हटाकर अपने एक व्यापक दृष्टि से महिलाओं को, बच्चों को बगैर लिंग भेद के विकास का अवसर देना पड़ेगा। कुछ विघ्न संतोषी लोग जो स्नेह पूर्वक दिए गए सीख पर विचार नहीं करते, उनको मैं बताना चाहूंगा कि किसी महिला के विरुद्ध बल प्रयोग करना या अपराध करना तो जघन्य रूप से अपराध माना जाता है, गंभीर रूप से दंडनीय है। आज की स्थिति यह है कि किसी महिला का पीछा करना, उसे घूरना, उसे छेड़छाड़ करना, उसे कोई अश्लील साहित्य दिखाना भी इतना गंभीर अपराध बन चुका है कि कोई व्यक्ति एक बार ऐसा अपराध करके अपना करियर खराब कर सकता है, अपना भविष्य बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि हम लोग अपनी आंतरिक मन स्थिति को थोड़ा बदलें, उसमें इतनी पवित्रता लाएं कि राह चलती हुई, सेवा करती हुई, पढ़ती हुई प्रत्येक बालिका के प्रति हमारे मन में एक अच्छा भाव हो और उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि इस देश में उसके लिए विकास की अपार संभावना है बगैर किसी भेदभाव के। धन्यवाद।